सभी साथियों को नमस्कार। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम लो प्रेशर एरिया में तब्दील होकर फिलहाल मध्य प्रदेश के भागों पर मौजूद है। इस मौसमी सिस्टम में दोस्तों काफ़ी मॉइस्चर होने के कारण फिलहाल ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों में लगातार भारी बारिश कर रहा है। IMD ने दोस्तों आगामी 24 से 48 घंटों के लिए राजस्थान के भी कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी जारी कर दी है। दोस्तों यह मौसमी सिस्टम बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है क्योंकि पश्चिमी हवाओं का फ्लो बहुत तीव्र होने के कारण दोस्तों ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोस्तों इस मौसमी सिस्टम के कारण अब आपको आगामी 24 से 48 घंटों तक राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों में ज़ोरदार बारिश देखने को मिलेगी, कहां कहां पर दोस्तों मौसम पूरी तरह से साफ रहने का अनुमान है, चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मौसम संबंधित प्रत्येक जानकारी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस मौसमी सिस्टम के कारण बीते 24 घंटे में आपको राजस्थान में कहां कहां पर जोरदार बारिश देखने को मिली थी। छबड़ा बारा में दोस्तों आपको 11 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली जो कि बीते 24 घंटे की राजस्थान की सर्वाधिक बारिश मानी जा रही है। झालारा पाटन झालावाड़ में 10 और झालावाड़ तहसील में आपको 10 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली। रामगंज मंडी कोटा में 9, असनावर झालावाड़ प्रतापगढ़ तहसील और मनोर थाना झालावाड़ अरनौद प्रतापगढ़ में आपको दोस्तों 7-7 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली। पीछावड़ौद बारा और धारियाबाद प्रतापगढ़, अकलेरा झालावाड़, सपोटरा करौली, राजाखेड़ा धौलपुर में आपको 4-4 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली। पीपलखूंट प्रतापगढ़, गणेश्वर डूंगरपुर, पंचपाट झालावाड़, सवाईमाधोपुर तहसील, बांसवाड़ा, सांगोद कोटा, अटरूबारा, पिरावा झालावाड़, बल्लभनगर उदयपुर, खंडार सवाईमाधोपुर, पीपलू टोंक, आसपुर डूंगरपुर, इंदरगढ़ बूंदी, चाकसू जयपुर, मांगरौल बाला, घाटौल बांसवाड़ा, शाहबाद बारा, जावाजा अजमेर, नातोदी करौली, अलवर आसिंद भीलवाड़ा, सावला डूंगरपुर, सराडा उदयपुर, मसूदा अजमेर, लालसोट दौसा, डग झालावाड़, रेलमगरा राजसमंद और नेठुआ डूंगरपुर में आपको कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इसके अलावा भी दोस्तों जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर और अजमेर संभाग के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां आपको नजर आई थी। पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम में भारी बदलाव देखने को मिला और आपको फलौदी जोधपुर, फलौदी तहसील, मुंडावा नागौर, खीवसर नागौर में कई स्थानों पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिली। इसके अलावा भी दोस्तों आपको जोधपुर संभाग के कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। दोस्तों जैसा आपको पुरानी वीडियोज में अवगत कराया था, सेम कंडीशन आपको राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में नजर आई हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगामी 24 से 48 घंटों तक आपको राजस्थान में कहां कहां पर किस तरह की मौसम की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। IMD ने दोस्तों पूर्वी राजस्थान के 5 संभागों में बारिश का हाई अलर्ट जारी करते हुए एक बार फिर चेतावनी जारी कर दी है। दोस्तों जैसा आपको पुरानी वीडियोज में पहले ही अवगत कराया था, सेम कंडीशन राजस्थान में बन चुकी है और कुछ स्थानों पर दोस्तों रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, तो दोस्तों कहीं कहीं पर बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान के दोस्तों उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में बारिश का येलो अलर्ट IMD ने जारी किया है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में ये बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। पश्चिमी हवाओं का फ्लो दोस्तों बहुत ताकतवर होने के कारण इस नए मौसमी सिस्टम को आगे बढ़ने से ये रोक रही हैं, जिसके कारण दोस्तों पूर्वी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में हल्के से ये मध्यम बारिश की गतिविधियाँ 22 अगस्त तक ऐसे ही देखने को मिलेंगी। पूर्वी राजस्थान में दोस्तों ये बारिश की गतिविधियां आपको 23 अगस्त तक नजर आएंगी। इसके बाद एक बार फिर से राजस्थान का मौसम साफ होने लग जाएगा। दोस्तों आज आपको ये भारी बारिश की गतिविधियां भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और दोस्तों जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, इनमें आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। तीव्र मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वज्रपात को लेकर भी दोस्तों IMD ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों अगर उदयपुर और कोटा संभाग की बात करें तो यहां पर भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों सहित चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के आसपास के कई क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। पूर्वी राजस्थान में दोस्तों ये बारिश की गतिविधियाँ 23 अगस्त तक इसी तरह से देखने को मिलेंगी। रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। तापमान दोस्तों गिरकर एक बार आपको 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही 5 संभागों का देखने को मिलेगा।
होगा। अभी भी दोस्तों पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे बचे हुए हैं जहां पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन भारी बारिश का दौर देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों यदि आप राजस्थान के पूर्वी पांचों संभागों में से किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पर लगातार ये बारिश की गतिविधियाँ 23 अगस्त तक इसी तरह से देखने को मिलेंगी। पश्चिमी राजस्थान में भी दोस्तों बादलों की आंशिक रूप से आवाजाही बीकानेर और जोधपुर संभाग में देखने को मिलेंगी। आईएमडी ने दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जोधपुर संभाग के दोस्तों जोधपुर, राजसमंद, पाली, यहां पर कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश आपको नजर आएगी। और दोस्तों बीकानेर संभाग के भी आपको गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों में आज कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। बीकानेर में भी आंशिक रूप से बादल छाएंगे। जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर जिलों में भी मौसम बदल जाएगा। यहां पर भी छुटपुट बारिश होने के आसार दोस्तों 22 अगस्त देर रात तक आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पर भी दोस्तों आईएमडी ने कुछ स्थानों पर बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी राजस्थान के दोस्तों जोधपुर और बीकानेर संभाग का जो टेम्परेचर है आपको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकांश जिलों का देखने को मिलेगा। आप राजस्थान के कौन से जिले से हैं, आपके यहाँ पर किस तरह का मौसम बना हुआ है दोस्तों, यदि आपके यहाँ पर बारिश का दौर जारी है तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि आप ही के राज्य के अन्य साथियों को पता चले कि फिलहाल इस गांव, स्थान और शहर पर इस तरह का मौसम बना हुआ है। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं आईएमडी की ऑफिशियल साइट पर, जहां से संपूर्ण न्यूज बिल्कुल प्रूफ के साथ प्रोवाइड करेंगे कि दोस्तों कहां कहां पर किस तरह के अलर्ट आगामी दिनों के लिए आईएमडी ने जारी कर दिए हैं और फिलहाल दोस्तों इस नए मौसमी सिस्टम का ट्रैक किस तरह का बना हुआ है। अब दोस्तों आप आईएमडी की ऑफिशियल साइट पर हो, यहाँ पर बात करेंगे 21, 22 और 23 अगस्त के मौसम के बारे में। 21 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। गहरे काले बादलों के सिंबल भी दोस्तों जारी कर दिए हैं। इससे स्पष्ट है कि दोस्तों पूर्वी राजस्थान में लगातार ये बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम फिलहाल कुछ इस एरिया में मौजूद है। धीरे धीरे दोस्तों इसके कुछ इस तरह का ट्रैक बनने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके कारण आपको संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। राजस्थान में भी दोस्तों इसको लेकर आईएमडी ने पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा, अजमेर, उदयपुर संभागों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यहां पर भी दोस्तों बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी और दोस्तों वज्रपात को लेकर भी आईएमडी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अजमेर और दोस्तों जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में आपको वज्रपात जैसी भी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों बीकानेर संभाग में लगातार जो मौसम ड्राई बना हुआ था, धीरे धीरे अब ये बारिश में तब्दील होने के आसार नजर आ रहे हैं। बीकानेर संभाग के दोस्तों चूरू, गंगानगर और बीकानेर के आसपास हनुमानगढ़ में दोस्तों यहां पर भी बादल पहुंच चुके हैं। कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश का दौर शुरू हो गया है। अब जोधपुर संभाग की बात करें तो दोस्तों जोधपुर संभाग का मौसम आगामी 24 घंटे से कुछ स्थानों पर बिल्कुल शुष्क एक बार फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों लगातार ये जो पवने हैं यानी कि पश्चिमी हवाएं हैं, कुछ इनका ट्रैक इस तरह का बना हुआ है जो कि दोस्तों इस मौसमी सिस्टम को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जिसके कारण दोस्तों ये नमीदार पवने कुछ इस तरह से घूमकर आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, उत्तराखंड और दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश करती हुई नजर आएंगी। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 22 अगस्त के मौसम के बारे में। 22 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर राजस्थान को कुछ इस तरह से आया हुआ है। पूर्वी राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट आईएमडी जारी किए हुए है। आपको लगातार ये बारिश की गतिविधियां 23 अगस्त तक इसी तरह से पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेंगी। जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से तीव्र बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर और दौसा के आसपास के क्षेत्रों में आपको कई स्थानों पर तीव्र मूसलाधार बारिश की गतिविधियां 22 अगस्त को नजर आएंगी। दोस्तों ये जो मौसमी सिस्टम है यहाँ पर जो मौजूद है दोस्तों, धीरे धीरे इसका ट्रैक कुछ इस तरह से बनने वाला है, जिसके कारण ही दोस्तों आईएमडी ने यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि दोस्तों ये नमीदार पवने आगे बढ़ने से इसको यह मौसमी सिस्टम रोक रहा है। धीरे धीरे दोस्तों ये हवाएं कुछ इस तरह से घूमेंगी और इन्हीं के कारण दोस्तों आपको यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। पश्चिमी राजस्थान के दोस्तों बीकानेर संभाग में ये बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। जोधपुर संभाग में मौसम एक बार फिर से आपको देर रात तक ड्राई हुआ नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर
बाद 23 अगस्त के मौसम के बारे में। 23 अगस्त को दोस्तों यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो फिलहाल यहाँ पर संपूर्ण राजस्थान को ग्रीन क्षेत्र में रखा गया है, लेकिन दोस्तों पूर्वी राजस्थान में ये बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों बारिश का दौर 23 अगस्त से समाप्त हुआ नजर आएगा। दोस्तों लगातार ये मॉइस्चर वाली पवनें कुछ इस तरह से घूमेंगी और इन्हीं के कारण आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी दोस्तों भरतपुर जिले में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश 23 अगस्त को भी आपको देखने को मिलेगी। भरतपुर संभाग के दोस्तों और ज़्यादातर स्थानों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा जयपुर संभाग के दोस्तों अलवर और दौसा के आसपास के कुछ क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियाँ आपको नजर आएंगी। दोस्तों ये मॉइस्चर वाली पवनें कुछ इस तरह से घूमेंगी और इनके कारण ही आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR के कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी।